नमस्कार, स्वागत है आपका namoformedia.com में। झांसी के मौट थाना क्षेत्र के सेमरी टोल प्लाजा पर एक ऐसी दर्दनाक घटना सामने आई है जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। मामला मौट क्षेत्र के सेमरी टोल प्लाजा का है, जहां युवक बस में सवार होकर बाराबंकी से मुंबई जा रहा था। जैसे ही बस सेमरी टोल प्लाजा से गुजरी, तभी अचानक युवक ने गुटखा थूकने के लिए सर बाहर निकाल लिया और उसका सर वहां पर लगे एक खंभे से टकरा गया, जिससे पलक झपकते ही युवक का सर कटकर जमीन पर आ गिरा, जिस कारण मौके पर ही युवक की दर्दनाक मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि बस चालक व कंडक्टर बस छोड़कर फरार हो गए। जो शताब्दी बस है, इसमें जो युवक सवार था, करीब उसकी उम्र 22 साल थी, नाम सोनू बताया उसने उसका, और बाराबंकी का रहने वाला था। ये गुटखा खाने के लिए इसने गर्दन बाहर निकाली तो पिलर से हटी इसकी गर्दन कट गई, तो उसके चलते बहुत दर्दनाक उसकी हादसे में मौत हो गई। श्रावस्ती से मुंबई एक बस जा रही थी और सेमरी टोल पर जिस वक्त टोल कटा रहे थे, तो एक व्यक्ति जिनका नाम सोनू पासी है, जो बाराबंकी के रहने वाले हैं, बताया जा रहा है कि उन्होंने गर्दन बाहर निकाली हुई थी। अचानक बस चल रही, जिसकी वजह से उनकी गर्दन गंभीर चोट आने के कारण कट गई थी और उनकी मौके मृत्यु हो गई है। इस विषय के संबंध में उनके घर को सूचित कर दिया गया है और तो